हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल अगेन। तो आज आप सभी लोगों का वापस से मैं माइनक्राफ्ट के एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं बनाने वाला हूं एक होम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वाला घर भी पसंद आने वाला है। वैसे मुझे कई दिन हो गए थे, मैं मतलब माइनक्राफ्ट के एक भी वीडियो पर नहीं आया था, और बीच में मैं थोड़े दिन ऑफ रहा क्योंकि दूसरे कामों में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। खैर, आज मैं आ चुका हूँ और एक घर तैयार कर रहा हूँ फिल कमांड से। तो ध्यान से देख लो, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को मिलाना है यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये जो ब्लॉक का नाम है वो दे देना है, उसके बाद एंटर दबा देना है और कुछ नहीं करना है आपको। और हाँ, जावा एडिशन और विंडोज़ एडिशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है फिल कमांड टाइप करने का। यहाँ पर आपको बीच में कंक्रीट के बाद जो है ज़ीरो लगाना पड़ेगा, उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो दोनों में कमांड्स फिल करने के जो तरीके हैं वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पे 453 ब्लॉक्स फिट हो चुके हैं, और अगर आप इसको नॉर्मली करते हो अपने हाथों से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है तो फिल कमांड कैसे यूज़ करते हैं तो जाके देख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको प्रॉपरली यहाँ पे खोद देते हैं, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे ये नहीं, ये नहीं करना हमको, ये तो बल्कि रहना चाहिए नीचे की तरफ, तो इस ब्लॉक को नीचे ही रहने देते हैं। 2000 घास ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, डर्ट रहेगा बिल्कुल नीचे, तो घर थोड़ा सा देखने में बहुत बेकार लगेगा। तो ग्रास ब्लॉक लगा लो, और यहाँ पर सीढ़ियाँ बना देते हैं हम, ज़्यादा कुछ और करना नहीं है तो आराम से काम चल जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है आपको। सीढ़ियाँ बनाओ और ऊपर जाओ, ठीक है। यहाँ पर स्टेयर्स बना देते हैं हम लोग, और स्टेयर्स बनाने के बाद नीचे ले आओ इसको, देन यहाँ पे अटैच कर दो और चलो ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे क्वार्ट्स ब्लॉक लगा लो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। देन क्या करना है आपको, आपको लैंटेन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम सीलिंग पे जाएंगे और लैंटेन वगैरह लगा देंगे ऊपर, 4 या 3 जो भी है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपरली लैंटेन लगा दो, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़े ग्लास लगा दो आप, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ग्लास फिट कर दिए हैं, और कुछ आपको करना नहीं है, ये हो गया है। और इसको अब पूरा दरवाज़ा लगा दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक डोर लगा देना है एंट्री पे, ठीक है, हो गया। डोर लगा दो, हो गया है, और कुछ करना नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है। अब सामने का डेकोरेशन देखना है हमको कि कैसे करना है, तो सामने के डेकोरेशंस कर दो प्रॉपरली, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक। ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सभी चीज़ें आप अपने आप कर लोगे, ये मुझे भी पता है, और आप सभी लोग इसको समझ भी जाओगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर बाहर की तरफ एक अलग टाइप का लैंटेन लगाना चाहता हूँ, एक तो मैं जो है क्या बोलते हैं उसको, लंबर जैक नहीं, हेलोवीन टाइप का है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर है जैक ऑफ लैंटेन, अच्छा हाँ, तो ये आपको लगा देना है यहाँ पर, और दूसरा आपको कहीं और फिट कर देना है, और ये हो गया है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे की तरफ एक दो और लैंटेन लगाने हैं ब्लू कलर के, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम फिट कर देते हैं, और ब्लू कलर के लैंटेन्स और लगाने, उसके बाद आपका पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। ब्लू कलर के लैंटेन लगा दो, प्रॉपरली लगा देना है एकदम, कोई ऐसी चीज़ बचनी नहीं चाहिए यहाँ पे। ब्लू कलर के लैंटेन फिट कर दो, फिट कर दो यहाँ पे और यहाँ पे, और यह पूरा हो गया है। सो गाइस, ये हो गया है हमारा पूरा घर बनके तैयार, ठीक है। इसको हम डे टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से सही लगेगा, ओके ठीक है। हाँ सो गाइस, बस आज के लिए यहीं तक था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वाली गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी माइनक्राफ्ट पे। और अगर आई हो तो गाइस लाइक कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल जैकावी गेमिंग को। मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।